हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगेन वी आर गोइंग टू पिक अप अनदर क्वेश्चन फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फटाफट देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हम लोगों का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का और पेपर वन का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो फटाफट इस नंबर पर कॉल कीजिए। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो साउथ दिल्ली कालूसराय और हॉस्कास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के जस्ट आउट साइड है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। भाई दो स्टेटमेंट दे रखी है टीचिंग लर्निंग की, अब उसमें से पता लगाना है कौन सी सही है या नहीं। चलो स्टेटमेंट वन, असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। असेसमेंट यानी हम किसी बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब उसको चेक कर रहे हैं कि भाई उसने जो समझा, जो सिखाया गया, उसने उसको समझ पाया, उसको सीखा सीखा या उसको कुछ अमल कर पाया, उसको कुछ इम्प्लीमेंट कर पाया अपने, तो दैट इज नोन एज इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, चलो इस पे वापस आएंगे। No feedback is required to be given in formative assessment. The whole point of formative assessment is to provide feedback. भाई formative assessment में भाई साहब कह रहे हैं कि no feedback, feedback देने की जरूरत नहीं है बच्चे को, जबकि होल पॉइंट फीडबैक देना ही तो मेन काम था फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि बच्चे को पता चले भाई मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। रेगुलरली साल, एक साल के एंड में पेपर ना होके रेगुलरली हम उसके थोड़े थोड़े दो दो चार चार हफ्ते बाद, एक एक महीने बाद हम लोग उसके टेस्ट लिए जा रहे हैं, ताकि उसको पता रहे कि भाई यहाँ पे मेरे को लैकिंग है, मेरे को इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो नो फीडबैक वाली स्टेटमेंट तो होगी जी गलत। असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, अगेन अभी हमने डिस्कस किया कि असेस करते हैं, बार बार असेस करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो फिर बच्चे को पता चलता है यार जी मेरा मैथ्स कमजोर है, थ्योरी के सब्जेक्ट्स तो मेरे हो जाते हैं इजीली, बट मैथ्स में मेरे दिक्कत है, प्रैक्टिकल में दिक्कत है। तो दैट इज वाई, तो पहली स्टेटमेंट तो सही होगी, दूसरी गलत होगी। तो इसमें हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सेकंड वन इज इनकरेक्ट, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। प्लीज मेक श्योर टू लाइक टू द वीडियो, एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द टू सब्सक्राइब दिस चैनल, नॉट लाइक दिस चैनल। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।